जहाँ पे कॉकरोच उसके साथ आपका वो जो स्टंट था, थोड़ा सा करंट फिसल गया, थोड़ा सा मैच चूक गया, मगर उस तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हमारे साथ खतरों के खिलाड़ी 14 के केदार आशीष है, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं शो में, और वो अभी हमारे साथ है। तो भाई कैसा लगा सफर? सफर एकदम बहुत ही शानदार है, आप लोग सब दोनों का एंजॉय तो कर ही रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही पर्राटेदार आवाज आएगी हर स्टंट से पहले, और अभी आई थिंक 2 दिन बाद ही हमारा अगला एपिसोड एयर होने वाला है, जो बहुत ही घमासान और एकदम खतरनाक होने वाला है। और जो अभी इस वीक में जो टीम्स बनी थी, 2 टीम्स बनी थी, अगर आप फॉलो कर ही रहे होंगे, और उसमें आपने और करणवीर ने जो स्टंट किया था उल्टा हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली हाथ फिसल गया था। लेकिन आप वो बहुत अच्छा मौका था आपके टीम का, स्किट पॉइंट बीट कर सके, भी बीट कर देते और जीत भी जाते हैं एक्चुअली। बट आई थिंक हर स्टंट एक नया स्टंट होता है, और आप कई बार कुछ चीज़ें इमेजिन नहीं कर पाते। तो उस दिन पसीने आ गए थोड़े ज़्यादा, थोड़े से पहले वाला स्टंट सीन करण और मैंने बहुत अच्छा किया था। तो बट उसके बाद हमारी गर्ल गैंग यार, पूरी की पूरी गर्ल गैंग, पूरा का पूरा फ्लैग, सारी की सारी गांठें खोल के लेके आई है। सो वी एक्चुअली वन यार। और वो जो आपका एलिमिनेशन स्टंट होने वाला था, जहाँ पे कॉकरोच उसके साथ आपका वो जो स्टंट था, वो आपने जो किया है, जो स्पीड से किया है, 150 या फिर 200 समथिंग आपने कॉकरोच वो डाले, वो बहुत टफ था और मुंह से करना था। तो क्या फील, क्या टेस्ट आया था? टेस्ट उन सब ने मेरे होंठ काट लिए थे अच्छे से, और वो एक्चुअली कॉकरोचेस नहीं थे, ग्रास हॉपर थे, और हमें एक बॉक्स से उनको पाइप में ब्लो करना था और उस साइड डालना था। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वो कर पाऊंगा, और मैंने वो बहुत ही अच्छा किया। सो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि दैट्स द खतरों की जर्नी ना, आप सोच के नहीं जाते हो कि आप क्या करोगे, मगर आप जो करते हो आप अपने भी लेवल्स को पार कर देते हो। सो आई थिंक कोई भी इंसान खतरों की जर्नी पैसों से नहीं खरीद सकता है, वो एक्चुअली इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, और जिसको भी ये मौका मिले उसे जरूर करना चाहिए। और कृष्णा के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सिस्टर यार, वो इतना खतरनाक कर रही है ना, आई विश ऑल द बेस्ट। अभी आगे तो देखो उसकी जर्नी बहुत खतरनाक, और स्विमिंग वाला उन्होंने तोड़ दिया है, बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक। वो जो किया है उनने कमबैक, वो तो सारी ऑडियंस भी शॉक हो गई, शॉक है, एंड दे आर हैप्पी, क्योंकि कृष्णा को वो कमबैक करना भी था उसके लिए, बिकॉज ऑफ द लेगेसी शी कम्स फ्रॉम बिड़ू। हाँ, तो है ना। और अभी ऐसा कोई फ्रेंड जिससे अभी मिल रहे हो, जो खतरों में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया आपका? हाँ हाँ, कृष्णा से मिल रहा हूँ, करणवीर से मिलता हूँ, अभिषेक से मिलता हूँ, सो दे ऑल वेरी वेरी क्लोज टू मी। अभी रिसेंटली कश्मीर भाई से मिला था मैं, तो शुमोना से मिला था, सो सबसे मिलता रहा। शो में नोकझोंक भी हुई थी आपकी थोड़ी सी? शो में तो मेरी सबसे नोकझोंक हुई थी, बिकॉज दैट्स द शो अबाउट, सिचुएशंस आ जाती हैं और आपको भिड़ना पड़ जाता है, सो दैट्स ओके। और फैंस को बस एक मैसेज दे दो, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी इन खतरो, कीप वॉचिंग खतरो के खिलाड़ी एंड मेकिंग इट नंबर वन ऑन कलर्स, दैट्स अ बिग थिंग, थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमें प्यार देते रहो। और अभी खतरो के खिलाड़ी का फिनाले बहुत जल्द आने वाला है, चैनल नेम क्रेजी बस, देखते रहिए, ताकि स्टे ट्यून्ड रहें खतरों की खबर से और बाकी की रफ एंड टफ खबरों से। थैंक यू।